Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Well friends, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 के दूसरे हफ्ते के आठवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया डे 8, यानी कि इस फिल्म का दूसरा जुम्मा, दूसरा फ्राइडे, द लायन किंग की आंधी इस फिल्म के ऊपर, कबीर सिंह भी इसके नीचे कहीं ना कहीं सांस ले रहा था, एंड वहां पर ऋतिक रोशन यानी कि डुग्गू का जबरदस्त परफॉर्मेंस ने, सीरियसली बोल रहा हूँ गाइज, जो इसने ये फ्राइडे को कमाया गाइज, दिस शोज के इंडिया में अगर आप अच्छी कंटेंट की फिल्म बनाओ तो ऑडियंस उसे कैसे भी पसंद करेगी। हाँ, उतने मैजिकल नंबर्स नहीं आ पाएंगे जितना आपको चाहिए, यू नो 200-300 करोड़ रुपए, लेकिन जो भी नंबर्स आ रहे हैं सुपर 30 को लेके वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल आ रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, बहुत ही मार्केट में हवा चल रही है कि सुपर 30 फ्लॉप हो चुकी है, तो इसका मैं एपिसोड बनाऊंगा आपके लिए, डोंट वरी ऑन दिस वन। मैं इसके इकोनॉमिक्स लेकर आऊंगा और प्रॉपर इकोनॉमिक्स लेके आऊंगा, क्योंकि जैसे आपको मालूम है मैं 10 दिन के बाद ही फिल्म के इकोनॉमिक्स लेके आता हूँ, क्योंकि जो पहले दिन का इकोनॉमिक्स रहता है, यानी पहले दिन जो बजट रिवील कर देते हैं वो एक मोटा मोटी बजट रहता है, यानी कि ऊपर ऊपर से प्रोड्यूसर बता देता है बजट आते आते फिल्म का। इट टेक्स फर्स्ट वीक प्रिंट के कॉस्ट, यू नो एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट, कितना इसके एग्जीबिशन में गया, डिस्ट्रीब्यूशन में, सब कुछ मिला के जो इसका प्रॉपर बजट आता है, और जो मेन चीज है जिस पर पिक्चर हिट होती है वो है डिस्ट्रीब्यूटर शेयर। सैटेलाइट कितने में गया, ये उसका डिजिटल ने, ऑडियो ने, वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे ही करना है तो आप लोग उसी से पैसा कमा लो, थिएटर में क्यों लगा रहे हो पिक्चर। तो ये धक्यान उसी बातें करना कि यू नो इसमें इतना फलाना ढिमका पैसा कमा लिया तो पिक्चर हिट डिक्लेयर हो गई, ये नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कितना आता है उस पर पिक्चरें हिट होती है, ये बात आप लोग भी समझ लो गाइस। तो सुपर 30 इज नॉट एट ऑल अ फ्लॉप, इट विल गेट अ हिट टैग। अब वो कैसे होगा मैं आपको इकोनॉमिक्स एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन गाइस बात करें इसकी ट्रेंड की, कल रात को मैंने कहा था ये फिल्म कहीं ना कहीं 4 करोड़ 20 लाख से लेके 4 करोड़ 70 लाख के बीच में कमाएगी, एंड गाइस द कलेक्शन हैव फॉलोड परफेक्टली, परफेक्ट कलेक्शन आया है इसने अपने आठवें दिन 4 करोड़ 51 लाख रुपए कमाए। फ्रेंड्स, सुपर 30 ऑन इट्स डे 8 हैज अर्न 4.51 करोड़ एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, और इसी के साथ ये 80 करोड़ में एंटर कर लेता है। इट हैज अर्न 80.36 करोड़ रुपीज इन जस्ट 8 डेज एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट। क्योंकि गाइज नीश फिल्म थी, ओके गाइज कितना ही मसाला भर दो, नीश टॉपिक था, यू नो कलरफुल फैंसी क्लोथ्स नहीं थे, जगमगाहट नहीं थी फिल्म में, हाँ सच्चाई वाली कहानी थी, ये लोग कहते हैं ना सच्चाई ज्यादा दिन छुपती नहीं। ये फिल्म चलेगी गाइज, ये सैटरडे को आराम से 7.5-8 करोड़ कमाएगी, एंड संडे 8-10 करोड़ कहीं ना कहीं ये मारेगी, क्योंकि अभी भी इसके पास 2100 से 2200 स्क्रीन है। फाइनल स्क्रीन काउंट इसका दूसरे हफ्ते का मैं रात के एपिसोड में बताऊंगा, कल मैंने बताया था वो, बस एक एग्जांपल दिया था मैंने कितने इसके पास हो सकते हैं, एक एस्टिमेट दिया था, आज रात को परफेक्टली बताऊंगा। आई थिंक इट शुड गेट 2200 स्क्रीन इन इट्स सेकेंड वीक। सो गाइज डे 8 ऋतिक रोशन फिल्म सुपर 30 4.51 करोड़ रुपीज और 8 दिनों का कलेक्शन 80.36 करोड़। ये फिल्म फ्लॉप नहीं है बॉक्स ऑफिस पे, हिट टैग लेकर जाएगी, उसका इकोनॉमिक्स मैं आपको आराम से समझाऊंगा। ओके गाइस, मैं साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।